चिढ़ाओ मत रीड, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। माफ करना वॉलेस, कर्नल के ऑर्डर्स हैं। कल आए झटकों की जांच करनी है। जानते हो आज मुझे बच्चों के क्रिसमस क्लब में जाना है। मुझे भी छुट्टियों में काम करने का शौक नहीं, मुझे शॉपिंग भी करनी है। हाँ, लेकिन अगर मैं 10 बजे तक वापस शहर में नहीं पहुंचा तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारा शोर मचाने वाले हैं। चिंता मत करो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चाहो तो दाढ़ी निकाल सकते हो। मुंह पर ठंड लग रही है यार। सही कहा। जल रहा है मॉम। माइकल, 5,000 स्क्वायर माइल से बड़ा, पूरे कनेक्टिकट राज्य से बड़ा, इस क्रिसमस ने तो सारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के नाक में दम कर दिया है, खासकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। इतिहास में इससे बड़ा आइस शेल्फ कभी कोलैप्स नहीं हुआ है, और उसकी तीव्रता भी इतनी थी कि पिछले कुछ रिपोर्ट्स में भूकंप की भी संभावनाएं जताई गई हैं। ये लो बेटा। ओ वाओ, पैनकेक। उस पर नजर रखो, खाना रखा है ना? जाओ यती, वहाँ जाओ। तुम्हारे डैड कहाँ है? वो नीचे आ रहे हैं। और कुछ देर पहले छुट्टियों को नजरअंदाज करते हुए सभी लोग काम पर लगे हुए हैं, और सारे रेस्क्यू ऑपरेशन भी तैनात कर दिए गए हैं। यती, जाओ यहाँ से, जाओ। माफ करना, वक्त मिल गया। माफ करो, बोला ना एक बार। हे डैड, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। अब तक तैयार नहीं हुए? जानती हो कल रात रशिया में आइस शेल्फ टूट गया। जरा देखो, टॉर्च जल रहा है। ओ ओ, ओ गरम है। जले हुए टॉर्च पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, अच्छा लग रहा है। अजीब बात है। क्या हुआ? जमीन के नीचे का तापमान एकदम से 3 डिग्री कम हो गया। लेकिन हवा का तापमान बिल्कुल नहीं बदला है, ये कैसे हो सकता है? पता नहीं, जमीन के नीचे का तापमान तभी कम होता है जब हवा का तापमान कम हो जाता है। ये क्या था? तापमान 2 डिग्री और गिर गया। जमीन के नीचे का तापमान इतनी जल्दी कम नहीं हो सकता, जरूर इस मशीन में कोई खराबी होगी। बर्फ के नीचे हलचल हो रही है। अच्छा होगा हम यहां से जल्दी निकल जाएं। सही कह रहे हो। रीड, ये क्या हो गया? अच्छा।
एंड्रिया के घर डिनर पर जाऊं? टिया, आज क्रिसमस है। और तुम्हारी माँ ने इतना अच्छा खाना भी बनाया है। पर एंड्रिया के घर ज्यादा मजा आएगा, उसके कजिन्स भी आने वाले हैं और उनके पास क्रिसमस ट्री भी है। वैसे ये सही कह रही है, हमारे घर में क्रिसमस ट्री क्यों नहीं है माइकल? पिछले हफ्ते शेन की हॉकी प्रैक्टिस थी और टिया तुम पिछले हफ्ते कहाँ चली गई थी? एंड्रिया के घर। उसी दिन तुम्हें बेस पर बुलाया गया था ना? वाओ भूकंप! क्या हो रहा है? डरने की जरूरत नहीं है, अभी रुक जाएगा। वाह, मजा आ रहा है। दो दिन में ये दूसरी बार हुआ है। हाँ, एक काम करता हूँ, नाश्ता करने के बाद फोन लगाता हूँ बेस में, देखता हूँ क्या हो रहा है। ओ नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तुमने छुट्टी ली है माइकल। देखो, मैं एक सीनियर जियोलॉजिस्ट हूँ, मुझे इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मतलब तुम काम करोगे? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं काम करने वाला हूँ? अभी। ओके, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ठीक है। क्रिसमस ट्री खरीदने के लिए चार लोग क्यों चाहिए? परंपरा है डैड, हम एक बार साथ गए थे, ऐसे परंपरा नहीं बनती। ठीक है, छोड़, कोई बात नहीं। पता है मैं क्या करने वाला हूँ? मैं वहां जाऊंगा और वहां जाकर मैं एक असली पेड़ को काट कर लाऊंगा और अपने हाथों से उसे क्रिसमस ट्री बनाऊंगा, अपने इन्हीं हाथों से। बहुत मजा आएगा। नाश्ते के बाद दोनों कपड़े बदल लो, हम डैड के साथ जाएंगे। ओ वाह, जाना जरूरी है, बहुत ठंड है बाहर। हमें क्रिसमस ट्री की जरूरत है और हम तुम्हारे डैड को अकेले जाने नहीं देंगे। मजा आएगा। सभी सैनिकों को आदेश दिया जाता है कि किसी भी अनजान वाहन को परिसर में ना आने दिया जाए। पता चला कि साउथ वेस्ट में एक बड़ा सा भूकंप आया है, अब उसी की जांच में लगे हैं। आपको डेटा भेजे जा रहे हैं, आप उसकी जांच कर सकते हैं। इस वक्त स्थिति काबू में है, उम्मीद करते हैं सब ठीक हो जाएगा। मैं ऑपरेशन से रैम बोल रहा हूँ। रैम, माइकल बोल रहा हूँ। आज के भूकंप की रीडिंग क्या थी? है माइक, 4.0 कल की तरह। और इसका रशिया के आइसशेल्फ से कोई कनेक्शन है कि नहीं है? मैं अभी तुम्हें वो नहीं बता सकता माइक। रैम, बकवास मत करो, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। एक मिनट, कोई तुमसे बात करना चाहता है। मिस्टर वेबस्टर, मुझे लगा आज आप छुट्टी पर हैं। हाँ सर, पर अभी भूकंप आया तो मैंने सोचा इसका रशिया के आइसशेल्फ से कोई कनेक्शन हो सकता है, इसलिए मैंने पूछा। मुझे तुम्हारी यही बात तो पसंद है माइकल। मतलब इसका कनेक्शन है? कुछ अजीब चीजें सामने आई हैं, क्या तुम ब्रीफिंग के लिए आ सकते हो? जैसा कि आपने कहा सर, आज मेरी छुट्टी है और अगर मैं वहां आऊंगा तो मेरी फैमिली नाराज हो जाएगी, तो आप मुझे फोन पे बताइए। नहीं, फोन पर नहीं, इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड है। क्लासिफाइड है? बस तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। हे बुद्धू, इतनी चीजें पैक क्यों कर रहे हो? सिर्फ पेड़ काटने ही तो जा रहे हैं? मैं एक एक्सप्लोरर हूँ और एक्सप्लोरर हमेशा तैयार रहता है। हे, सारा सामान रख लिया? सबने गर्म कपड़े ले लिए है ना, ज्यादा कपड़े पहनोगे तो चल नहीं पाओगे। हाँ, एक रुई के गोले लग रहे हो। तुम इनकी बातें मत सुनो, तुम बिल्कुल हीरो लग रहे हो। हे एमिली, मुझे कुछ बात करनी है। देखो, अभी मुझे बेस पर जाना पड़ेगा, और निकाल दो तुम्हारे लिए सिर्फ एक घंटे के लिए। मुझे लगता है कर्नल मुझे कुछ ब्रीफ करना चाहते हैं उस भूकंप के बारे में। हमेशा कुछ ना कुछ होता है और तुम क्रिसमस पर काम पर जा रहे हो। मैं सिर्फ एक घंटे के लिए जाऊंगा। मैं इसे बंद कर देती। मैं तुम सबको डाउनटाउन ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ तुम शॉपिंग कर लेना और उसके बाद मैं तुम सबको पिकअप करने आऊंगा, सिर्फ एक घंटे में, प्रॉमिस। एक घंटा मतलब एक घंटा, समझे? यस। मैरी क्रिसमस। आप अंदर जा सकते हैं। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस ऐसे विश करते हैं क्या? माउंट पेटन पर मौसम कैसा है? मैं सोच रहा हूँ कि अपने परिवार को वहाँ ले जाऊँ। थोड़ा अजीब है, शाम तक वापस आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। ओके, बाद में मिलता हूँ। यहाँ बहुत तबाही मच चुकी है, हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें क्या करना। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर?
बात करो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। क्या होगा? हेलो, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हेलो, आप आवाज आ रही है? मदद की जरूरत है। ये बातचीत हमने आर्कटिक रीजन के एक रशियन आउटपोस्ट से इंटरसेप्ट की थी। ये कल सुबह तकरीबन 9 बजे की बात है, उस आइस शेल्फ के टूटने के कुछ घंटे पहले। बिल्कुल सही। और अब हमें ये पता लगाना है कि क्या ये एक नेचुरल डिजास्टर है या रशियंस ने जानबूझकर ये सब किया है ताकि वो अपने नए आर्कटिक क्षेत्रों का दावा और मजबूत कर सके। तो जो ट्रेमर्स हमें महसूस हो रहे हैं वो शॉक वेव्स हैं। सबसे पहला झटका कब महसूस हुआ था? दोपहर के 3 बजे। अजीब बात है। क्या? इस भूकंप के झटके की टाइमिंग रशियन आउटपोस्ट के डिस्टेंस के हिसाब से हमें यह झटका पहले महसूस होना चाहिए था, और आज के झटके की वजह क्या है? दरअसल रीड और वॉलेस आज सुबह से ही पहाड़ों पर गए हैं डेटा लाने के लिए, उनके लौटते ही हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको पता चलता है आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। Merry Christmas, Tommy. Merry Christmas. तो शॉपिंग कैसी रही? बहुत ही बेकार थी। टिया के लिए जूते ही नहीं मिले। उनके पास जूते ही नहीं थे। वैसे एक बात बताओ, क्रिसमस गिफ्ट खुद कौन चुनता है? पिछले साल आप मेरे लिए वो बेकार सी ड्रेस लाए थे और सबने मेरा मजाक उड़ाया था। तो हम जा कहाँ रहे हैं? माउंट फेटन। वो कुछ ज्यादा ही दूर नहीं है? चलो मजे करेंगे, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं और लंबी ड्राइव भी हो जाएगी। वाह, पर मुझे एक लंबी ड्राइव पर नहीं जाना। चलो मजा आएगा, पहाड़ पर सिर्फ हम लोग होंगे। लगा था इस पहाड़ पर सिर्फ हम ही होंगे। आज सुबह कुछ इंजीनियर्स यहाँ पर आए थे, ताजू भी अभी तक गए नहीं। चलो क्रिसमस ट्री ढूंढते हैं। चलो आ जाओ। किसका घर है डैड? वो एक आउटपोस्ट है, हम अक्सर यहाँ रुकते हैं जब हम यहाँ बर्फ की जांच करने आते हैं। चलो देखते हैं अंदर कौन है। हेलो, क्रिसमस चल रहा है डैड। हाँ बस चेक करो। फोन कौन कर रहा है? जरूर बेस से होगा उन इंजीनियर्स के लिए, पता नहीं कहाँ है, अगर कोई दिखे तो मुझे बता देना। रीड या वॉलेस की कोई खबर? नहीं, आउटपोस्ट से भी कोई खबर नहीं मिली। कोशिश करती रहो। ठीक है, चलो येटी के पीछे चलते हैं। हम बाकी सब की तरह एक पेड़ खरीद क्यों नहीं लेते डैड? मेरे पास तो ट्री के नीचे रखने के लिए प्रेजेंट भी नहीं है। मेरे पास ट्री के नीचे रखने के लिए गिफ्ट है, डैड का गिफ्ट। ओह, क्या गिफ्ट लाए मेरे लिए? मैं ये आपको नहीं बता सकता, ये एक सरप्राइज है। हाँ डैड, ऐसे सवाल पूछता कौन? अच्छा। है जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें जबरदस्ती बाहर नहीं ले जाऊंगी। छोटा था तो मैं भी यही कहता था,
लेकिन बड़े होने के बाद सब कुछ बदल जाता है। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरी प्रायोरिटीज हमेशा वही रहेंगी। मैं भी यही कहता था। टिया, ये सब छोड़ो, इस खूबसूरत जगह को एंजॉय करो। शाबाश। जियोफोन्स माउंट फेटन पर किसी तरह के अजीब वाइब्रेशंस पिकअप कर रहे हैं। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। रीड और वॉलेस भी काफी समय से पहुंच के बाहर हैं। वहां सिर्फ वो दोनों नहीं हैं। और कौन है? माइकल और उसका परिवार। अरे नहीं, बहुत अच्छे। यति, यति, ये जा कहाँ रहा है? यति यहाँ आओ। वो कहाँ जा रहा है? कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। ये कैसी आवाज है? ये क्या कोई एवलांच था? नहीं, इतनी कम ऊंचाई पर होना तो नहीं चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। जियोफोन्स ने माउंट फेटन पर नए ट्रेमर्स रिकॉर्ड किए हैं। इस बार 4.5 के हैं। रीड, वॉलेस, क्या तुम में से कोई मुझे सुन सकता है? सर, अब तक रीड और वॉलेस की कोई खबर नहीं है, ना रेडियो पर ना ही जीपीएस ट्रांसमीटर्स पर। चलो काम पर लगते हैं। चोट तो नहीं आई? बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता हाथ टूटा है, सिर्फ सूजन आई है। ठीक है, मैं हेल्प के लिए कॉल करता हूँ। मैं यती को ढूंढने जाऊँ? नहीं, तुम अभी कहीं नहीं जाओगे। ओके बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। कॉर्नल, माइकल लाइन पर है। माइकल, कहाँ हो तुम? माउंट फेटन आउटपोस्ट पर। यहाँ भूकंप के झटके महसूस हुए। बर्फ टूट रही है। जानता हूँ, हमें भी यहाँ सिग्नल्स मिले थे। ये सिर्फ भूकंप के झटके नहीं है कॉर्नल, ये किसी तरह का आइस गाइजर है। मेरे सामने बर्फ धस रही थी, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। बर्फ धस रही थी? वाकई, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, बिल्कुल सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वहाँ पर बर्फ का पहाड़ टूट रहा था। मेरी बेटी को चोट लगी। रीड और वॉलेस भी वहाँ हैं? उनकी कार तो मैंने देखी, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे। फिक्र मत करो, मैं मदद भेज रहा हूँ। ऑफिसर, फौरन एक हेलीकॉप्टर वहाँ भेजो। कर्नल से लाइन कनेक्ट हो गई है, अब आप बात कर सकते हैं। कर्नल, इस पहाड़ के नीचे कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। मैं नहीं चाहता जो रशिया में हुआ वो यहाँ पर भी हो जाए। ठीक है, पहले तुम सही सलामत यहाँ आ जाओ, फिर सोचते हैं इसका क्या करना है।
एक मिनट। ये आवाज कैसी है? एवलेंच! चलो बाहर निकलो, बाहर जल्दी जल्दी। हेलो, इस तरफ इस तरफ जल्दी, मुझे बाहर नहीं जाना। हमें बाहर जाना होगा, चलो। माइकल, क्या हो रहा है वहां? चलो चलो। वो क्या है? एवलेंच है, आगे बढ़ो। उस तरफ नहीं, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट लेफ्ट इस तरफ, जल्दी करो। हेलीकॉप्टर तैयार है? जी सर, तैयार है। उड़ान भर ली है, अगर मौसम में कुछ बदलाव आए तो बताना। अब हम क्या करेंगे? यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? येटी कहां है? हे, फिक्र मत करो, वो ठीक होगा, हम ढूंढ लेंगे। उस पहाड़ के दूसरी तरफ एक रास्ता है, अगर वहां पहुंच जाएंगे तो आसानी रहेगी। आपको उस पहाड़ पर जाना है? हम यहां नहीं रुक सकते बेटा, यहां बहुत खतरा है, हमें बढ़ते रहना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं, तुम्हारे डैड रास्ता जानते हैं, चलो। माउंट फेटन की जियोलॉजिकल हिस्ट्री आपके सामने है, उम्मीद है वो सब ठीक होंगे। सर, क्या मैं रेस्क्यू स्क्वाड असेंबल करूं चॉपर की मदद करने के लिए? हाँ, उन्हें जल्द से जल्द भेजो, पायलट से कोऑर्डिनेट करो। जी सर। कर्नल, जरा इसे देखिए, ये बहुत अजीब है, इस इलाके में एक भी फॉल्ट लाइन नहीं है। यानी ये शॉक वेव्स रशिया से आई हैं, और बर्फ में जो दरारें पड़ रही थी जिनके बारे में माइकल ने बताया, उसकी क्या वजह हो सकती है? पहाड़ के नीचे किसी तरह की वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है। पर ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। शायद कोई गुप्त वोल्केनो हो जिसके बारे में कोई नहीं जानता। माइकल बर्फ की दरारों के बारे में कुछ बोल रहा था, क्या ऐसा कहीं होता है? सिर्फ सैटर्न के चांद पर। जल्दी चलो, वहां उस पहाड़ पर लोग फंसे हुए हैं। नहीं चल सकती। ठीक है, ये लो, थोड़ा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये लो। ए, क्या कर रहे हो? पानी मत पियो, हमें पानी बचाना है। ए, आराम से, ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी सारी बर्फ है, हमें पानी मिल जाएगा। ठीक है, जितना चाहे पी सकती हो, कोई बात नहीं। मॉम, ठंड लग रही है। यहाँ तुमने अपनी जिद क्यों नहीं बंद की? मॉम, मुझे यति की फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, वो अपना ख्याल रख सकता है, वो आ जाएगा वापस। ये तो बहुत ठंडा है। आप क्या कर रहे हैं? शरीर की गर्मी से बर्फ को पानी बना रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा। चलो, तुम तैयार हो तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ो। ठीक है। ट्रेमर साउथ स्लोप पर शुरू हुए थे, पर फिर अचानक पश्चिम की तरफ दिखने लगे। अजीब बात यह है कि मुझे कोई साइज्मिक वेव नहीं मिल रही जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो। तुम्हें इसकी वजह पता है? नहीं है,
टेक्टोनिक मूवमेंट का एक्सपर्ट तो माइकल है। कर्नल, प्रोफेसर लाइन पर है, वो कह रहे हैं कि उन्हें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये वही पागल प्रोफेसर है ना जो कहता है डायनासोर्स मीथेन एक्सप्लोजन से मरे थे? हाँ ये वही है। हाँ वो इतनी बार हमारी साइट पर बिना परमिशन घुसा है कि उसे अभी तक उम्र कैद हो जानी चाहिए थी। हाँ प्रोफेसर कहिए। मैं हमेशा सोचता हूँ गवर्नमेंट मेरा टैक्स का एक रुपया भी नजरअंदाज नहीं करती, फिर इतनी बड़ी चीज तुम्हें दिखाई कैसे नहीं देती। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? सवाल ये है कर्नल, क्या तुम मुझे अपनी मदद करने दोगे? मैं कुछ समझा नहीं। माउंट फेटन पर मीथेन लेवल कब तुमने लास्ट टाइम चेक किया था? इस वक्त वो जानकारी मेरे सामने नहीं है। अच्छा ठीक है छोड़ो, मेरे पास है, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ जो परमाफ्रॉस्ट है वो हम सबकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से उड़ रहा है, जिस वजह से हजारों सालों से जो सील कई हजार टन मीथेन गैस को बर्फ के अंदर रोके हुई थी वो अब टूट चुकी है। 6 महीने पहले मैंने पहाड़ का मीथेन लेवल चेक किया था, वो 1 साल में दुगना हो चुका है। हमें पता है वो पिघल रहा है, पर बहुत कम मीथेन गैस रिलीज हुई है और इससे एटमॉस्फेयर को कोई खतरा नहीं है। वक्त बदल रहा है, मुझे मेरी टीम के साथ वहाँ जाने की परमिशन चाहिए। सवाल ही नहीं उठता, उस इलाके में जाना खतरे से खाली नहीं। मैं जानता हूँ। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मैंने फोन क्यों किया? मेरा मतलब मुझे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिख रही हैं। और क्लाइमेट चेंज का इतिहास दर्शाता है कि ये धीरे धीरे नहीं बढ़ती, ये चीजें अचानक बढ़ जाती हैं। हर चीज की एक हद होती है और शायद इसकी हद अब पास आ चुकी है। माफ करना पर वहाँ एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जब तक मेरी टीम सुरक्षित वापस ना आ जाए मैं ऐसा कोई भी खतरा नहीं उठा सकता। समझ रहे हैं आप? मैंने कुछ पूछा, जवाब दीजिए। शायद उसने फोन काट दिया सर। लेफ्टिनेंट, माउंट फेटन की घेराबंदी कर दो, वहां जाने वाली हर सड़क पर नाकाबंदी करवा दो। जी सर। अब इन पागलों से भी मुझे ही निपटना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। यहां ऑक्सीजन कम है। बच्चों तुम ठीक हो ना? थक गए हैं। वो क्या था? पानी के बहने की आवाज आ रही है। वैसे यहाँ आसपास कोई झरना तो नहीं है ना? यहाँ होना तो नहीं चाहिए खासकर ऐसे तापमान में। चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं। कैसी आवाज है? संभल कर, पीछे पीछे हट जाओ बच्चों, पीछे। नहीं 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 डैड, कर्नल, पहाड़ पर जोरदार साइज़मिक स्पाइक डिटेक्ट हुई है। तुम दोनों ठीक हो? हम ठीक हैं मॉम। अच्छा तुम जहाँ हो वहीं रहना। अब हम क्या करें? कर रहे हो? बच्चों इससे दूर रहना, इससे दूर चले जाओ।
हम यहाँ नहीं रुक सकते। हम बच्चों तक कैसे पहुंचेंगे? हमें वहां ऊपर तक जाना होगा। नहीं, उसमें तो घंटों लग जाएंगे, हम इन्हें इतनी देर अकेला नहीं छोड़ सकते। और कोई चारा नहीं है हमारे पास। ये हम कहां फंस गए हैं माइकल? डैड, अब हम क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों को उस पहाड़ी के ऊपर जाना होगा। ओके, उस पहाड़ी के ऊपर हम दोनों वहां तुम्हें मिलेंगे। और सुनो, हम यहां से कूद नहीं सकते तो हमें घूमकर वहां पहुंचना होगा। आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। घबराओ मत, ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस बस अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, हिम्मत रखना। जाओ, जाओ और उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ, जाओ। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। जाओ बच्चों, जल्दी करो, भागते रहना, रुकना मत। चलो जल्दी जल्दी, चलो चलो। आउटपोस्ट के पास पहुंच गया हूं। लग रहा है यहां साउथ स्लोप पर एक बड़ा सा एवलांच आया था। पास जाके देखता हूं। ठीक है कोच रैन। ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। आउटपोस्ट और पार्किंग लॉट पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें रात होने से पहले ढूंढना होगा। क्या वो रुक गया है? हाँ। ये सब क्या हो रहा है माइकल? जमीन में से किसी तरह की गैस निकल रही है। किस तरह की गैस? मेरे हिसाब से मिथेन है। हमारे बच्चे ठीक तो होंगे ना? हाँ, वो ठीक होंगे। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, चिंता मत करो, वो अपना ख्याल रख सकते हैं। मुझे लगा मदद के लिए कोई आएगा। हाँ, वो आउटपोस्ट की तरफ गए होंगे। तो शायद हमें वहाँ जाना चाहिए। नहीं, अब फायदा नहीं, एवलांच के बाद वो बर्फ के नीचे दब गया होगा। चलो हम ऊपर चलते हैं, शायद हमें वहां बच्चे मिल जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको रुको, मैरी क्रिसमस ऑफिसर। मैं वर्थिंगटन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, हम जियोलॉजिस्ट हैं, हम यहाँ पर छानबीन करने आए हैं। आम लोगों को यहाँ आना मना है। देखो, हमारा ऊपर जाना जरूरी है ताकि हम पता कर सकें कि ऊपर चल क्या रहा है। सर, गाड़ी घुमाइए और चले जाइए। कर्नल ह्यूज मुझे जानते हैं। जरा रुकिए। कर्नल से मेरी बात कराइए। सर, साउथ गेट के ऑफिसर आपसे बात करना चाहते हैं। कर्नल ह्यू बोल रहा हूं। इसी वक्त गिरफ्तार कर लो उसे। अच्छा, सब शांत रहना, ठीक है। सर, गाड़ी से बाहर निकलिए प्लीज। अच्छा, रहने दो, हमारा ऊपर जाना इतना भी जरूरी नहीं है, हम गाड़ी मोड़ लेते हैं और घर वापस चले जाते हैं। गाड़ी से बाहर निकलिए अभी। आवाज सुनी? नहीं, कुछ नहीं है।
अगर कोई भालू हुआ तो? सारे भालू इस वक्त सोते हैं। हाँ। चलो फिर से करते हैं। ठीक है, पर हम ये आखिरी बार कर रहे हैं। डैड वेट कर रहे होंगे, घर पहुंचना है। चलो ठीक है। तैयार हो? हम्म। चलो चलते हैं। सर, नए ट्रेमर्स डिटेक्ट हुए हैं और ये वाले बहुत बड़े हैं। कहाँ? शहर से थोड़ी दूरी पर। सर, हम इस कीलोज के पास से अर्थक्वेक की रिपोर्ट आ रही है। उसका केंद्र कहाँ है? क्या वो पहाड़ों में है? सर, मुझे नहीं पता। इस घटना के पहले किसी भी तरह के साइस्मिक वेव्स रिकॉर्ड नहीं हुए थे। तुम्हारी सारी थियोरीज बकवास हैं। इन भूकंपों का कोई केंद्र क्यों नहीं मिल रहा? आखिर इनके होने की वजह क्या है? ये ट्रेमर्स ना ही वोल्केनिक है और ना ही टेक्टोनिक। सिर्फ एक चीज ऐसे भूकंप का कारण हो सकती है और वो है भारी मात्रा में गैस रिलीज होना। शायद वो पागल प्रोफेसर ठीक था। हमें इसकी वजह पता करनी ही होगी। ऐसा करने का कोई तो तरीका होगा। हमें करना होगा एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक सैटेलाइट सर्वे। उससे हमें बहुत मदद मिलेगी। तो करो। ये एक स्टेट इमरजेंसी है, सबको इत्तला कर दो और सेना को शहर खाली करवाने का आदेश दे दो। सारे यूनिट अलर्ट रहना, साउथ गेट पे बैकअप की जरूरत है। अगले आदेश का इंतजार करना। एक और भूकंप आ रहा है जिसकी तीव्रता 7.9 की है। जल्दी दीको, नहीं ना, ये हो क्या रहा है? कर्नल, क्या हो रहा है? ना समझ के। इमरजेंसी जनरेटर शुरू कर दिए हैं। सब लोग ठीक हो? हाँ, हम ठीक है। नुकसान का पता करो। ठीक है। हमें इस मुसीबत का पता कैसे नहीं चला? जब तक सैटेलाइट सही पोजीशन में नहीं आ जाता है, हमें भूकंप के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। पर ऐसा होने तक हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें छानबीन करनी होगी। हर चीज के होने की एक वजह होती है, इसकी वजह का पता लगाओ। पहले ये सुलझाओ, लोगों की जिंदगियां दांव पर हैं। ओके, हमें वहां ऊपर जाना होगा, उसके बाद ही हम दूसरी तरफ पहुंच पाएंगे। क्या कोई और रास्ता नहीं है? ये जितना दिखता है उतना मुश्किल है नहीं। हम बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे, यकीन मानो। बस दिखने में मुश्किल है। फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है। ओके। गार्ड्स को बता दो, जल्द से जल्द शहर खाली करवाना होगा। अब शहर में रहना सुरक्षित नहीं है। जी सर। हेलीकॉप्टर पायलट से मेरी बात करवाओ। कैप्टन, क्या आपको वहां कोई दिख रहा है? यहां कोई नहीं है कर्नल। मैंने पूरे इलाके की अच्छे से जांच कर ली है, पर मुझे यहां कोई नहीं दिख रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। शायद वो इसके नीचे दबे होंगे। वक्त बर्बाद मत करो, जल्द से जल्द उन्हें ढूंढो। ठीक है कर्नल। पहुंच गए। हम यहाँ नहीं रुक सकते। डैड ने हमें यहीं रुकने के लिए कहा था।
यहाँ बहुत खतरा है। खतरा? क्या बात कर रहे हो? तूफान आने वाला है, टीला में यहाँ से निकलना होगा। सर, स्क्रीन पर दिख रहा है कि पहाड़ों पर तूफान आने वाला है। अब ये कैसा तूफान है? सर, ये एक बड़ा तूफान लग रहा है। कितनी देर में पहुंचेगा? कुछ ही घंटों में। अलर्ट जारी कर दो। सारी फील्ड यूनिट ध्यान दें, एक बड़ा तूफान हमारी तरफ आ रहा है। बस यही सुनना बाकी था। ये क्या हो रहा है? ठीक होंगे? हाँ, डैड यही तो काम करते हैं। मेरे पैर बहुत ठंडे, उंगलियां सुन पड़ गई हैं। हाँ, मेरी उंगलियां भी सुन पड़ गई हैं। हमें पानी पीना चाहिए। हमारे पास बर्फ भरने के लिए बॉटल नहीं है। मैंने एक बॉटल ली थी, याद है? पर मैं इतनी ठंडी बर्फ को नहीं पी सकती हूँ। कभी कभी चीजें काम आ जाती हैं। तुम ठीक हो ना एमिली? मेरी उंगलियां सुन पड़ रही हैं। ओके, उन्हें हिलाती रहो ताकि ब्लड सर्कुलेशन होता रहे। ठीक है। लगता है बर्फ पिघल गई। तुम पहले पी लो। अब अच्छा लग रहा है, पर और प्यास लगी है। ओह, क्या हुआ? डैड का गिफ्ट खो गया। फिक्र मत करो, वो तुम्हें नहीं डांटेंगे, खासकर इन हालातों में। शेन, शेन, अच्छा क्या एवलांच रुक गया? तुम ठीक हो ना? मुझे बस बच्चों की फिक्र है, और कितनी दूर है? हम बस पहुंच नहीं वाले हैं। वो देखो, वहां जाना, ज्यादा देर नहीं लगेगी। अच्छा, तुम तैयार हो? ये रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ। लगता है बर्फ खिसक रही है। वेट,
हिलना मत। ओ नहीं नहीं नहीं। घबराओ मत, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, हमें बस नीचे ही जाना है। वो क्या था? किसी की चीख थी। ठीक है, ठीक है। ओह, ये क्या हो रहा है? एक और भूकंप आया। साफ सुनाई नहीं दे रहा। यूनिट फाइव जवाब दीजिए। यूनिट फाइव सुन रहे हैं? उनसे संपर्क टूट गया है सर। हमें शहर को खाली करवाना होगा। फौरन इसके ऑर्डर्स जारी कर दो। जी सर। सावधान, हमें खबर मिली है कि इस शहर में एक बड़ा भूकंप आ सकता है। हमें आदेश मिले हैं कि इस इलाके को जल्द से जल्द खाली करा दिया जाए। टीवी और रेडियो पर आपको सबसे नजदीकी सेफ जोन की जानकारी मिल जाएगी। हमें खबर मिली है कि इस शहर में एक बड़ा भूकंप आ सकता है। हमें आदेश मिले हैं कि इस इलाके को जल्द से जल्द खाली करा दिया जाए। टीवी और रेडियो पर आपको सबसे नजदीकी सेफ जोन की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर क्या? ये तो मर चुका है। आराम से, आराम से, आराम से। आप ठीक तो है ना? नहीं, मेरे पैर पर चोट लगी है, जरा मदद करो। अब ठीक है? हाँ ठीक ही हूँ मैं। मेरा नाम एमिली है। ब्रूस बैरिंगटन। वो मीथेन मैन? हाँ, वही पागल जिसकी कोई बात नहीं सुनता। मैं लोगों को इस मीथेन के खतरे के बारे में कई सालों से चेतावनी दे रहा हूं। शेन, कहां हो तुम? शेन, जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। सर्च टीम, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आपको अपना काम जल्दी निपटाना होगा। 20 इंच का माप लीजिए। ओवर। ठीक है, 20 इंच। शेन, टिया, टिया, शेन। तो पहले झटके से मीथेन रिलीज नहीं हुई थी? नहीं,
जमीन के नीचे की मीथेन फटकर बाहर आ गई, जिस वजह से भूकंप आया और झटके महसूस हुए, और इसी वजह से लिक्विड मीथेन वेपराइज हो गई। उस वेपर का प्रेशर वही इन भूकंपों की जड़ है और इसी वजह से और झटके महसूस हो रहे हैं और फीडबैक लूप बनता जा रहा है जिससे और मीथेन पैदा हो रही है। इस वक्त जमीन के नीचे लिक्विड मीथेन की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर वो सारी मीथेन वेपराइज हो गई तो एटमॉस्फेयर में तबाही मच सकती है। ये तो बुरा है। हाँ, पर तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। मेरे पास तरीका है। क्या लगता है वो कौन है? नहीं जानता। सुनिए कर्नल, मैंने कर लिया, मैंने पता लगा लिया, ये गुफाएं हैं, ये वैली के नीचे बनी हुई गुफाओं से आ रहा है। ग्लेशियर केव्स? हाँ, अभी तक मुझे पता नहीं है क्यों, पर पैटर्न यही है। ये देखिए, ये लाल निशान, ये वो जगह है जहाँ इरप्शंस हो रहे हैं, और ये पीली लाइंस, ये जमीन के नीचे बनी सुरंगे हैं। पर यही वो चीज है जिसकी हमें तलाश थी। यकीन नहीं होता, आखिर सुरंगे क्यों? उनमें ऐसा क्या है जिनकी वजह से भूकंप आ रहे हैं? वो तो हमें तब पता चलेगा जब सैटेलाइट सही पोजीशन पर आएगा। ये सुरंगें तो हर जगह हैं। कैरोलिन, बेस खाली करवाओ। जिन ऑफिसर्स का वहां काम नहीं उन सबको सुरक्षित जगह जाने को कहो। जी सर। ये काम नहीं कर रहा, लगता है खराब है। तुमने वो सुना? हेलीकॉप्टर की आवाज है, चलो। ए, रुको रुको, आगे मत बढ़ो। तुमने सुना वो? बोरा ये हुई ना बात। ऑपरेशन, मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। कर्नल, अभी अभी कैप्टन को वहां कुछ लोग दिखाई दिए हैं। शुक्र है। आप सब जहां हैं वही रुके, मैं बास्केट नीचे कर रहा हूं। ये इलाका लैंडिंग के लिए सुरक्षित नहीं है। तुमने आवाज सुनी? ऑपरेशंस मैंने बास्केट नीचे कर दी है। पहला सर्वाइवर शायद 40 साल का एक पुरुष है, वो घायल दिख रहा है। Thank you.
क्रैश करने वाला हूँ। इंजन काम नहीं कर रहा, हेलीकॉप्टर कंट्रोल नहीं हो रहा है। कैप्टन आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं कैप्टन? क्या हुआ? संपर्क टूट गया। बचाओ दल को, इत्तला करो। जी सर। उस प्रोफेसर के साथ बुरा हुआ। अब हमें बच्चों को ढूंढना है, ओके? तूफान आने वाला है और जल्दी अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद हम फंस जाएंगे। हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? वो यहीं आसपास होंगे। जिस पहाड़ पर उन्हें पहुंचना है वो ज्यादा दूर नहीं है। उस पायलट ने बताया तो होगा कि उसे हम दिखे थे। पता नहीं, इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ अच्छा नहीं हो रहा। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मां! मां! मेरे बच्चों! तुम दोनों ठीक तो हो ना? डैड! किसी को चोट तो नहीं आई? बस ठंड से और भूख से मर रहे हैं। हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। आजा। हेलीकॉप्टर को क्या हुआ? वो क्रैश हो गया। मुझे ये मिला। रेडियो? ये तुम्हें कहां पर मिला? हमें बर्फ में एक आदमी जमा हुआ मिला। दिया। ये मिलिट्री का है। क्या ये काम कर रहा है? नहीं, ये शुरू नहीं हो पा रहा है, शायद कनेक्टर टूट गया है। पर इसके अंदर जीपीएस ट्रैकर जरूर होना चाहिए। बेटा, तुम्हारे बैग में च्युइंगम है क्या? हाँ, ऊपर की जेब में। तो क्या तुम इससे मदद बुला सकते हो? बैटरी बहुत कम है, लेकिन अगर मैं सिग्नल भेज पाया तो हो सकता है कि उन्हें हमारी लोकेशन पता चल जाए। कर्नल, हमें पहाड़ों से ट्रैकिंग सिग्नल मिल रहा है। हमारे लोग हैं? जी, ये एक हैंड रेडियो जीपीएस है। चेक कर रही हूँ ये कोड किसने भेजा है। यानी वहाँ अब भी कोई जिंदा है? ये रीड का सिग्नल है। ये हो गया। बैटरी तो खत्म हो गई, लेकिन उम्मीद है कि सिग्नल चला गया होगा। ओके, देखते हैं। अब बस हमें आगे बढ़ते रहना होगा। अच्छा हुआ तुम दोनों मिल गए। फंसने से अच्छा यही सो जाते हैं। हम स्नो शेल्टर बनाएंगे, है ना डैड? सही कहा, हम गड्ढा बनाकर रहेंगे ताकि हम गर्म रहें, वरना यहाँ बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैक बालनेट ने भी यही किया था। वो कौन है? माउंट ब्लैंक पे चढ़ने वाला पहला आदमी, उसने गड्ढे में रात बिताई थी। क्या वो बच गया था? हाँ। देखा, मैंने कहा था ना, ऐसा सोचो कि हम पिकनिक पर आए हैं, ठीक है? मजा आएगा। जब स्कूल जाओगी तो अपने फ्रेंड्स को तुम काफी सारी चीजें बता पाओगी। अच्छा, मजाक कर लेते हैं। चलो चलो, अब गड्ढा खोदते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। इन्हें शहर तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है। मैं पक्के तौर पर कुछ भी नहीं बता सकता सर। कैरलिन? जी सर। क्या हमने बेस को पूरी तरह खाली करवा दिया? सब बाहर जा चुके हैं कर्नल, बस कुछ मेन ऑफिसर्स को छोड़कर जो रुकना चाहते थे वही रुके हैं। ठीक है, सब सुनो,
मैं चाहता हूं कि तुम सब यहां से चले जाओ। आज क्रिसमस है, तुम्हें अपने परिवार के साथ अपने घर होना चाहिए। यहां मैं संभाल लूंगा। पर हम आपके साथ ही रुकेंगे सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले ही हम काफी लोग गंवा चुके हैं। ये मेरा ऑर्डर है, तुम सब जाओ। तुम लोग भी ना। मैंने आपसे कहा था ना सर। जी पककर बैठो ताकि गर्म रहे। उम्मीद है यति को ज्यादा ठंड नहीं लग रही होगी। नहीं 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 बेटा, भगवान ने उसे ऐसा ही बनाया है कि वो इस तरह की ठंड आराम से बर्दाश्त कर सकता है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ओ ये, मैं तो इसे घर से लेके आया था। हाथ गर्म करने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? नहीं। खाने के लिए कुछ है? नहीं। ओ, मेरे पास कुछ है। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने इसे उस वक्त के लिए बचा कर रखा था जब खाने के लिए और कुछ ना बचा हो, समझे? हाँ, मतलब ये टाइम बिल्कुल सही है। ये लो बेटा। शुक्रिया। तो टिया, तुमने आगे की अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? माइकल, इस वक्त नहीं। मुझे अपने बेटी के फ्यूचर की चिंता है। मैं केमिस्ट्री और जियोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ डैड, पर अभी तक डिसाइड नहीं किया। सच में? आपने ध्यान नहीं दिया होगा पर मैं भी आपकी तरह पढ़ाकू हूँ। तुमने कॉलेजेस पर रिसर्च की है? हाँ। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। तुम मुझे मिलने आ सकते हो। आप सब मिलने आ सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सब वहां जाकर कॉलेजेस का पता लगा कर आए। सच में? हाँ, हम सब एक साथ जाएंगे, कुछ थीम पार्क्स विजिट करेंगे, बीचेस पर घूमेंगे। इस प्लान के बारे में क्या ख्याल है? मजा आएगा। ओ, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ठीक है। वैसे इसे ठीक करना बहुत आसान है, समझी? हाँ, जैसे तुमने कभी घर की छत ठीक की है। हाँ। शेन, फ्लैशलाइट दो। ए! यहाँ, इस तरफ, यहाँ, यहाँ पर। खाना ठीक है? हाँ। कर्नल, माइकल आ गया। माइकल, अच्छा हुआ तुम आ गए। बच्चे ठीक हैं? हाँ, वो एमिली के साथ है, वो हॉल में बैठकर खाना खा रहे हैं। हमने गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया है, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। कहीं भी नहीं है। रीड या वॉलेस की कोई खबर? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। रैम, तुमने सुरंग की खोज करके बहुत अच्छा काम किया है। शुक्रिया सर। इनसे कुछ कह सकता हूँ? सब लोग सुनो, जमीन के नीचे भारी मात्रा में लिक्विड मीथेन है और वो लिक्विड मीथेन सुरंगों में बह रही है जिन्हें ग्लेशियर्स ने बनाया था। अब ये मीथेन जहाँ जहाँ से बहती है वो रास्ते में फंसी हुई सारी गैसेस को बाहर निकालती है। हम इन इरप्शंस को ट्रैक कर रहे हैं, वो फेयरबैंक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त खतरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। फेयरबैंक्स के बाद ये गुफाएं जमीन पर खुलती हैं
क्वारी के पास, और अगर ये लिक्विड मीथेन यहां तक पहुंच गई तो हवा उसे गैस में बदल देगी और उसके बाद नतीजा बुरा होगा। हमें क्या करना होगा? इसे बहने से रोकना होगा। हम सैटेलाइट के जरिए स्पेक्ट्रोमेट्री स्कैन करेंगे ताकि हमें पता चले कि आखिर मीथेन है कितनी। सैटेलाइट कुछ ही देर में अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। बहुत खूब, एक बार पता चल जाए कि मीथेन कहां पर है उसके बाद देखते हैं क्या करना है। एक्सप्लोजिव्स की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास एक्सप्लोजिव्स हैं, पर उन्हें लगाने में बहुत खतरा है। सब लोग यहां से जा चुके हैं, मेरे पास डिमोलिशन स्क्वाड नहीं। मुझे इसका तजुर्बा है सर। मुझे भी है, मैं भी जाऊंगा। ठीक है जेमी, रैम, हम सब ये मिलकर करेंगे। ठीक है, तैयार हो जाओ। ठीक है। बाहर एक गाड़ी खड़ी है जो तुम सबको एक सुरक्षित जगह पर ले जाएगी। तुम नहीं आ रहे? बच्चों, मुझे एक स्पेशल मिशन पर जाना है, ये बहुत जरूरी है। पर आप क्यों जा रहे हैं? आप कोई सोल्जर नहीं हैं। नहीं, पर ये मेरे काम का हिस्सा है। यति अब तक नहीं मिला है, हम उसके बिना नहीं जा सकते। तुम उसकी फिक्र मत करो शेन, मैं वापस आकर उसे ढूंढ लाऊंगा। अभी तुम्हें अपनी बॉम और बहन का ख्याल रखना है, ठीक है? माइकल, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? हाँ, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ इन्हें? मीथेन है, बच्चों को यहाँ से ले जाओ। चलो बच्चों, जल्दी करो। ठीक है आप, चलिए। मैं ठीक हूँ, हमने गैस लीक का पता लगाकर उसे बंद कर दिया है। सैटेलाइट से पता चला है यहाँ काफी मीथेन है। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही है। क्या खतरा ज्यादा है? हाँ, अगर इतनी मीथेन हवा में मिल जाती है तो फिर हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। क्या इसे किसी तरह रोक सकते हैं? इतनी ज्यादा मीथेन को नहीं, वहां तो हजारों टन मीथेन है। रोकने की कोशिश करेंगे तो वो चारों तरफ फैल जाएगी। आप सब ठीक है? क्या हो रहा है? तुम खुद ही देख लो। वो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। हमें इसे तबाह करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा सर। अगर आग लगा दे तो? ये गैस जलती है ना? सिर्फ गैस आग पकड़ती है, लिक्विड नहीं सर। इसे C4 बॉम्ब से उड़ा सकते हैं ना? हमें एक हाई वेलोसिटी डेटोनेशन चाहिए अगर इतनी मीथेन को तबाह करना है तो। C4 से कुछ भी नहीं होने वाला। हमारे पास तो यही है। क्या हम इस पे हवाई हमला नहीं कर सकते? देर हो गई है, तुम ही देखो, एक घंटे में ये फेयरबैंक्स पहुंचकर सब कुछ तबाह कर देगी। जो भी करना है बहुत जल्दी करना होगा। हमारे पास और कुछ नहीं है क्या? नाइट्रोग्लिसरीन जैसी कोई चीज, केमिकल एक्सप्लोसिव्स या कुछ और? यहां पर एक तेल की खदान है शहर से थोड़ी दूर। उससे क्या करना चाहते हो? पेट्रोलियम एक्सप्लोजन केमिकल एक्सप्लोजन के मुकाबले काफी बड़ा होता है। लेकिन इन ऑयल रिजर्व से बात बन सकती है, हमें बस मीथेन को वहां तक पहुंचाना है। अगर हम दो धमाके करते हैं, एक यहां पर जहां केव्स इंटरसेक्ट करती है बिल्कुल यहां, और दूसरा ठीक यहां पर, ऐसा करने पर मीथेन सीधी ऑयल रिजर्व्स के पास जाएगी। एक बार मीथेन वहां पहुंच गई तो वहां के टैंक्स उड़ा देंगे। चलो करते हैं।
वापस आओगे? मैं नहीं जानता, लेकिन ये लोग तुम्हें सुरक्षित जगह पहुंचा देंगे और जैसे मेरा काम खत्म होगा मैं वापस आऊंगा। आई लव यू गाइस। लव यू डैड। तुम भी साथ चलो ना। नहीं, मुझे ये काम पूरा करना होगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बस सही सलामत वापस घर आ जाना। ठीक है, बाय। अपना ख्याल रखना डैड। हाँ बिल्कुल। डैड आप यडी को ढूंढ के घर ले आना। पूरी कोशिश करूंगा। डैड ये आपके लिए। ओह शेन, ये सच में बहुत कमाल का है दोस्त। थैंक यू। लव यू। लव यू टू बेटा। अपना ख्याल रखना, संभल कर रहना, मैं जल्दी आऊंगा। ओके, आई लव यू डैड। लव यू टू बेटा। बाय डैडी। बाय बाय। बाय। ठीक है, ऑयल रिजर्व्स की ओर जा रहा है और जेमी के पास उसके टारगेट कोऑर्डिनेट्स हैं। मैं तुम्हें गाइड करूंगा। ठीक है कर्नल। ये C4 है डेटोनेटर के साथ, इसके साथ एक GPS है ताकि तुम्हें कर्नल ट्रैक कर सके। जब तुम टारगेट के ऊपर पहुंच जाओगे इस बैग को जमीन पर रख देना और फिर इस हैंडल को घुमाना और खींचना ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। घुमाना और खींचना। अपना ध्यान रखना। ठीक। ठीक होंगे? हाँ वो ठीक होंगे। अगर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाई तो? ओह जिया घबराओ मत, तुम उनसे जरूर मिलोगी। मैंने तो उनके लिए क्रिसमस गिफ्ट भी नहीं लिया। ओह कोई बात नहीं, यहाँ आओ मेरे पास बैठो। परेशान मत हो, डैड आ जाएंगे, सब ठीक होगा। जब तुम दोनों छोटे थे तब मेरे पास आके ऐसे बैठ जाया करते थे। पर मॉम अब मैं छोटा नहीं हूँ। नहीं नहीं हो। तुम्हें अटलांटा की बातें याद है? नहीं। जब वहाँ जोर से तूफान आता था तो तुम दोनों बिस्तर में छुप जाते थे और कभी कभी डैड तुम्हें कहानियां भी सुनाया करते थे। हाँ मुझे याद है, शायद। जल्दी अपने टारगेट्स तक पहुंचो, ये तेजी पकड़ रहा है। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है। 15 मिनट में मिथेन अपने पहले कट ऑफ तक पहुंचेगी। अगर ये मौका हाथ से गया तो बहुत देर हो जाएगी। सीधे आगे बढ़ो माइकल। तुम अपने टारगेट के बहुत करीब हो। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए?
मेरे सामने एक बहुत बड़ी दरार है। क्या तुम घूम के जा सकते हो? नहीं, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। इसमें से गैस निकल रही है। मॉम, मॉम आप ठीक हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। टिया को चोट लगी है। कहाँ चोट लगी है तुम्हें? मेरी घुटने पर। ठीक है, मैं देखती हूँ, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा। शेन, यहाँ हो जरा। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे इस तरह दबाओ, ठीक है? और अपने हाथों को ज्यादा हिलाना मत, ठीक है? ठीक है। इसे ठंड नहीं लगनी चाहिए और इसे सोने मत देना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, ठीक है बेटा? मैं निकलने का कोई रास्ता ढूंढती हूँ। माइकल, तुम ठीक अपने टारगेट के ऊपर। ओके ओके, माइकल तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये घूम नहीं रहा। क्या हुआ? सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। इसे खींचने के बाद घुमाना है ना? नहीं, घुमाकर खींचना है। ओके, घुमाकर खींचना है। घुमाओ, खींचो। हो गया। वहां से जल्दी निकलो माइकल, मैं धमाका करने जा रहा हूं। अरे नहीं माइकल, तुम सुन रहे हो? मैं धमाका करने जा रहा हूं, क्या तुम वहां से निकले? ये भी। उम्मीद करता हूं तुम निकल चुके हो। ये काम कर गया। मिथेन दूसरे टारगेट पॉइंट की तरफ जा रही है। माइकल से कोई कांटेक्ट? मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। नहीं कर्नल, नहीं कर्नल। जेमी तुम तैयार हो? अब तक तो सब ठीक है। हमारे प्लान के मुताबिक मिथेन टारगेट पॉइंट की तरफ जा रही है। मुझे उन टैंक्स को ब्लास्ट करना होगा। तुम वहां से निकले रैम? नहीं कर्नल। तुम्हें वहां से निकलना होगा। 5, 4, 3, 2, 1।
काम बन गया। आखिरकार सब ठीक हो गया। अगर वो कहीं फंसे होंगे तो यहाँ हम खेलने जा रहे हैं, चलो वहाँ चल के देखते हैं। ठीक है। हाँ। देखो यदि तुमने हमें ढूंढ लिया। बात है। गुड बॉय, गुड बॉय, आई लव यू लटी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। hey, जिया शेन, वहाँ देखो, देखो, डैड, डैड, माइकल, डैड। मेरी क्रिसमस। आपने यदि को ढूंढ लिया? नहीं, उसने मुझे ढूंढ लिया। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? कुछ नहीं, चोट लगी है। इसका पैर फ्रैक्चर हुआ है। कैसे हो गया? हम सड़क पर जा रहे थे और हमारी ट्रक के नीचे से गीजर फटा और हम हवा में उड़ गए। मजाक कर रही हो? नहीं, और फिर मॉम ने ट्रक चलाया। ये सब सच है। वाह, क्या बात है। हाँ। मेरी क्रिसमस बच्चों। मेरी क्रिसमस। तो अब घर चलें? हाँ प्लीज। हाँ डैड, यस। हाँ चलो, तुम चल पाओगे? हाँ। ये रहा हमारा ट्री, चलो चले। ये काफी बड़ा ट्री है डैड। एकदम परफेक्ट है ना? हाँ। बहुत मजे करेंगे। चलो यदि। गुड बॉय यदि। हाँ सही कहा। उसके लिए क्या लेकर आए? मुझे पता है क्या पसंद आएगा। वो क्या है? पैनकेक। मैं भी देंगी। मैं तो खाऊंगा।